गुड मॉर्निंग बच्चों कैसे हैं आप सब क्लास सेवन की मैथ्स की क्लास में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है और हम पढ़ रहे थे बच्चों इकाई सात वाणिज्य गणित अभ्यास सेवन जी बच्चों हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी और हम लोगों ने एक एक नियम के द्वारा चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन निकालना सीखा तो सेवन जी जो अभ्यास है उसके क्वेश्चन नंबर सिक्स तक के प्रश्न हम लोगों ने हल कर लिए हैं आज हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर सेवन से तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन क्या बोल रहा है सातवां प्रश्न है बच्चों रुपये छः हजार दो सौ पचास का चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से दो वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है यहाँ पर ब्याज की दर बच्चों चार प्रतिशत दी हुई है यानी कि सौ रुपये में चार रुपये ठीक तो और ये हमारा मूलधन है और दो वर्ष के लिए हमें ब्याज चक्रवृद्धि ज्ञात करना है आइए देखते हैं कैसे हल करेंगे इसे तो इसमें बच्चों ध्यान दीजिए चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर है तो अगर हम सबसे पहले स्टार्ट यहीं से करते हैं सौ रुपये का एक वर्ष का ब्याज बराबर कितना हो जाएगा चार रुपए क्योंकि ब्याज की दर कितनी दी हुई है चार प्रतिशत वार्षिक दी हुई है यानी सौ रुपये में चार रुपए जो है एक वर्ष का ब्याज होगा ठीक अब एक रुपये का क्या हो जाएगा इसलिए एक रुपये का एक वर्ष का ब्याज सारे प्रश्नों को बिल्कुल इसी तरीके से हल करना सौ रुपए फिर एक रुपए फिर एक, एक रुपए का मिश्रधन धन याद करेंगे फिर जितने वर्ष दिए हैं उसका मिश्र धन याद करेंगे और जो है इसके बाद जितने रुपए के लिए पूछा गया है वो ज्ञात करना है तो एक वर्ष का ब्याज बराबर क्या हो जाएगा इसमें एक रुपए का एक वर्ष का ब्याज चार बटे सौ ठीक है चार कम चार चार दुनिया चार पंच बीस यानी कितने रुपए आ गया एक बटे पच्चीस रुपये आ गया अब हम क्या लिखेंगे बच्चों कि एक रुपये का चूंकि इसलिए एक रुपये का एक वर्ष का मिश्र धन तो मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन धन ब्याज तो कितना हो जाएगा मूलधन कितना है हमारा बच्चों एक रुपये है क्योंकि एक रुपये का निकालना है ना तो रुपये एक धन ब्याज कितना है एक बटे पच्चीस पच्चीस लघुत्तम लेंगे कितना जाएगा पच्चीस और एक छब्बीस बटे पच्चीस छब्बीस बटे पच्चीस रुपये ठीक है ये हमारा क्या हो गया एक रुपये का एक वर्ष का मिश्र धन हो गया अब क्या करना है एक रुपये का दो वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होगा तो इसके आगे इसी तरीके से लिखेंगे इसलिए रुपये एक का यहां एक वर्ष था ना अब यहां पर क्या जितने वर्ष का पूछा वो लिखेंगे तो दो वर्ष पूछा है तो दो वर्ष का चक्रवृद्धि मिस्र धन दो वर्ष पूछा है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा तीन वर्ष पूछेगा बच्चों तो घाते तीन होंगी ठीक है क्यूब हो जाएगा तो स्क्वायर है क्योंकि दो वर्ष पूछा है इसका स्क्वायर हो जाएगा अब एक रुपये की जगह यहाँ पे सवाल में हमारे पास मूलधन क्या है छः हजार दो सौ पचास रुपये का दो वर्ष का चक्करवर्दी मिस्र धन यही प्रश्न पूछा है हमारा तो इसमें कितने का इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा छः हजार दो सौ पचास घूणे छब्बीस बटे पच्चीस का स्क्वायर ठीक समझ में आ रहा सारे सवाल बच्चों इसी तरीके से हल करने हैं आपको तो ये बराबर हो जाएगा छः हजार दो सौ पचास गुणे छब्बीस गुणे छब्बीस बटे पच्चीस गुणे पच्चीस ठीक तो इसको हल करेंगे ये कट जाएगा बच्चों पच्चीस एक कम पच्चीस ये पाँच से काटिए चलिए पचम पच्चीस पाँच से कम पाँच पाँच दूनी दस बता दो पचम पच्चीस जीरो फिर पाँच एकम एक पाँच पांदुनी दस पचम पच्चीस जीरो फिर पच्चीस से एक कम पच्चीस यहाँ पे दस आ जाएगा तो छब्बीस गुणे छब्बीस गुणे दस कितना आ गया हमारे पास में छब्बीस गुणे छब्बीस गुणे दस ठीक इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास आ गया छः हजार सात सौ साठ रुपये ये कितने का है दो छह हजार दो सौ रुपये का दो वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन हमारा ये ज्ञात हो गया अब हमें क्या ज्ञात करना चक्रवृद्धि मिश्रधन तो हमें प्राप्त हो गया चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो चक्रवृद्धि ब्याज का क्या फार्मूला होता है अतः चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा बच्चों चक्रवृद्धि मिश्र धन जो कि हमारा ये ज्ञात हुआ है में से मूलधन हम घटा देंगे सारे सवालों को करने का तरीका बच्चों एक ही तरीके से है आप सवालों को हल करेंगे तो आपको बनने लगेंगे जितना ज्यादा आप सवाल हल करेंगे उतने ही आ, आपके दिमाग में आ जाएगा कि हमें सवालों को किस तरीके से हल करना है चक्रवर्ती मिश्र धन हमारा कितना है बच्चों छह हजार सात सौ साठ रुपये मूलधन कितना था हमारा छह हजार दो सौ पचास रुपये ये घट जाएगा छह हजार दो सौ पचास रुपये घट जाएगा इसमें से तो ये हमारा आ गया पांच सौ दस रुपये ठीक है ये हमारा क्या हो गया चक्रवृद्धि ब्याज उत्तर आप अलग से लिख दीजिएगा अतः चक्रवृद्धि ब्याज रुपये पांच सौ दस होगा पूछा ना चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा तो इतने रुपए चक्रवृद्धि ब्याज होगा समझ में आ गया ना बच्चों किस तरीके से हल किया गया है आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर आठ जो है तो नसीम ने पाँच हजार रुपये अपने समीप के ग्रामीण बैंक में सावधि जमा योजना में तीन वर्ष के लिए दस प्रतिशत चक्रवृत्ति ब्याज की दर पर जमा किया तीन वर्ष पश्चात उसे बैंक से कितने रुपए प्राप्त होंगे ये हमें याद करना है बच्चों तो उसमें क्या करना है आपको चक्रवृद्धि जो है उसका मिश्रधन ज्ञात करना है तो ज्ञात करने का तरीका बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर सात किया था और तीन वर्ष लिखा है तो इसमें घाते तीन करेंगे बच्चों इसमें बच्चों घाते तीन करेंगे ठीक है समझ में आ गया यहां पे ग्यारह ये जो तीन वर्ष के लिए आया ना तो जब आपका आएगा चक्रवर्ती मिश्रधन एक, एक वर्ष का आएगा फिर उसके बाद जब हम तीन वर्ष का निकालेंगे तो उसमें घाते तीन कर देंगे ऐसे सवाल हम लोगों ने ऊपर हल किए हैं अब इसका क्वेश्चन नंबर नौवा ये आपका बच्चों होमवर्क है ये आप करिएगा आशा है कि आप लोगों से ये बन जाएगा नौवा क्वेश्चन भी बच्चों आप लोगों का होमवर्क है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से हल करना है ऐसे सवाल हम लोग ऊपर हल कर चुके हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज जो है कुल कितने रुपए मिले ये पूछा गया है और ब्याज की दर चार प्रतिशत दी हुई है तो नौवा प्रश्न भी इसी तरीके से हल करना है बहुत ही आसान है बच्चों और इसके बाद जो है जो जिस तरीके से सवालों को हल किया है ना चार प्रतिशत ब्याज ये इसी तरीके से है बस इसमें यहाँ पर चेंज कर दिया गया है थोड़ा लैंग्वेज चेंज की गई है बाकी सवाल जो है वो ऐसा ही है चार प्रतिशत दर से दो वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ठीक यहाँ पे छः हज़ार दो सौ पचास की जगह पच्चीस सौ रुपये करने हैं आपको ठीक है अब इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दस की ओर डेविड ने सोलह सौ सो रुपए का ऋण दो दशमलव पांच प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर लिया दो वर्ष बाद उसे ऋण का भुगतान कर दिया उसने ऋण का जो है पेमेंट कर दिया बताइए उसे कुल कितने रुपए भुगतान करने पड़े तथा कितने रुपए ब्याज देने पड़े तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर दस कैसे हल करना है अब यहाँ पर बच्चों देखिए कि ब्याज की दर कितनी दी हुई है दो दसमलोग पाँच प्रतिशत तो स्टार्ट जैसे हम करते थे सवालों को वैसे ही करेंगे कि चूंकि सौ रुपये का एक वर्ष का ब्याज एक वर्ष सॉरी ब्याज बराबर क्या हो जाएगा दो रुपये पचास पैसे या टू पॉइंट फाइव इसको क्या लिख सकते हैं हम इसको हम लिख सकते हैं यहाँ दसमलोग का चिन्ह हटेगा तो क्या हो जाएगा दस हम का चिन्ह हमने हटा दिया और यहाँ पे क्या लगाया अब नीचे बटे में आ जाएगा 10, दस यानी पच्चीस बटे दस रुपये ठीक है अब ये एक रुपये का क्या आ जाएगा इसलिए एक रुपये का एक वर्ष का ब्याज बराबर कितना आ जाएगा तो एक रुपये का आ जाएगा बच्चों पच्चीस बटे दस ठीक है ये और इतना आ जाएगा पच्चीस बटे दस हो गया और यहाँ पे गुणे सौ कितना जाएगा पच्चीस बटे एक हज़ार पच्चीस सौ को सौ यानि एक बट्टे चालीस रुपये ठीक है एक बट्टे चालीस रुपये ये आपको समझ में आ रहा है अब यहाँ पे देखिए बच्चों एक रुपये एक रुपये चालीस एक बट्टे चालीस रुपये जो है एक रुपये का एक वर्ष का ब्याज आया अब हम क्या ज्ञात करेंगे मिस्र धन याद करेंगे इसलिए एक रुपये का यहाँ पर रुपये का चिन्ह बना दीजिएगा एक रुपये का एक वर्ष का मिस्र धन पता ही है आपको मूलधन धन ब्याज ब्याज मूलधन कितना था हमारा एक रुपये था ब्याज कितना आया एक बटे चालीस तो क्या हो जाएगा इकतालीस बटे चालीस रुपये ये हमारा एक वर्ष का मुसल धन प्राप्त हो गया अब चूंकि प्रश्न में दिया है दो वर्ष का के लिए तो दो वर्ष का क्या हो जाएगा इसलिए रुपये एक का दो वर्ष का चक्रवृद्धि क्या हो जाएगा बच्चों इकतालीस बटे चालीस का स्क्वायर इस चीज को ध्यान दीजिएगा यहां पे दो वर्ष बोला है इसलिए हमने स्क्वायर किया है अगर तीन वर्ष बोलता तो क्या करते इसमें खाते तीन करते ठीक है अब इसलिए बच्चों ये अब इसलिए सोलह सौ सो का दो वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या हो जाएगा सोलह सौ सो का मल्टीप्लाई हो जाएगा किसमें इकतालीस बटे चालीस के होल स्क्वायर में ठीक है बराबर क्या हो जाएगा सोलह सौ सो गुणे इकतालीस गुणे इकतालीस बटे चालीस गुणे चालीस मेरे ख्याल से चार चौको सोलह वैसे ही हो जाए चार एक कम चार जीरो दो जीरो कट गया चार चौको सोलह चार एक कम चार चार से चार कट गया तो बचा क्या इकतालीस गुणे इकतालीस है न इकतालीस गुणे इकतालीस बचा तो बराबर आ गया बच्चो सोलह सौ इक्यासी रुपये ठीक तो ये हमारा क्या हो गया दो वर्ष का चकवर्दी विसिजन हो गया सवाल में पूछा बच्चों बताइए उसे रेड का बताइए उसे कुल कितने रुपए भुगतान करने पड़े तथा कितने रुपए ब्याज देने पड़े तो इतने रुपए उसे क्या करने पड़े भुगतान करने पड़े ठीक है और ब्याज निकालना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप अतः है नाम है उसका डेविड डेविड को सोलह सौ इक्यासी रुपये भुगतान करने पड़े ठीक है और अब उसके बाद पूछा भी है कि कितने रुपए ब्याज देने पड़े तो ब्याज आप अलग से ज्ञात कर लीजिएगा तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा मिश्र धन में से मूलधन कट जाएगा माइनस मूलधन सारे सवाल बच्चों एक ही तरीके से हल करने हैं सोलह सौ सो इक्यासी में से सोलह सौ सो रुपये हमारा मूलधन था कटेगा तो कितना जाएगा इक्यासी रुपये उसके ब्याज होते आप उसका इसका उत्तर अलग से लिख दीजिएगा अतः या ये यहाँ ऊपर ना लिख के नीचे भी लिख सकते हैं अतः डेविड है। को रुपये सोलह सौ सो इक्यासी भुगतान करने पड़े ब्याज में ब्याज में इक्यासी रुपये देने पड़े ठीक है तो उसने इतने रुपए ब्याज में दिए यही प्रश्न हमारा पूछा था अब आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर ग्यारहवा क्वेश्चन है बच्चों डिंपल ने पाँच हजार एक सौ बीस रुपये बैंक में दो वर्ष के लिए छः हजार सॉरी छः सही एक बटे चार प्रतिशत वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर जमा किया अवधि के पश्चात उसे कुल कितने रुपए मिले यानी दो वर्ष के लिए उसने इतने रुपए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने पैसे कितने जमा किए पाँच हजार एक सौ बीस रुपए तो उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे ये प्रश्न पूछा गया आइए देख लेते हैं ये भी सवाल वैसे क्वेश्चन नंबर टेन की तरह ही है लेकिन देख लेते हैं कैसे हल करेंगे सबसे पहले बच्चों जो करने का तरीका है सौ रुपए के लिए चूंकि सौ रुपये का एक वर्ष का ब्याज सौ रुपए का एक वर्ष का ब्याज कितना दिया हुआ है प्रश्न में दिया है बच्चों छः सही एक बटे चार प्रतिशत यानी कितना हो जाएगा छः सही एक बटे चार रुपए यानी छः चौको चौबीस और एक पच्चीस बटे चार रुपये ठीक है ये है तो इसलिए एक रुपए का एक रुप एक रुपए का एक वर्ष का ब्याज सब प्रश्नों को इसी तरीके से हल करना बच्चों क्या हो जाएगा पच्चीस बटे और यहाँ पे बटे सौ पच्चीस से कम पच्चीस पच्चीस सौ सौ यानी एक बटे सोलह रुपये आ जाएगा ठीक अब इसके बाद क्या करेंगे मिश्रधन ज्ञात करेंगे इसलिए एक रुपये का एक वर्ष का मिश्रधन क्या हो जाएगा रुपये वन प्लस वन अपॉइंट सिक्सटीन कल टू कितना हो जाएगा सोलह और एक सत्रह बटे सोलह रुपये ठीक यहां तक समझ में आ गया अब यहाँ पर चूंकि समय कितना दिया है दो वर्ष तो अब इसी के आगे लिखेंगे इसलिए एक रुपये का दो वर्ष का चक्र मिश्र धन सारे प्रश्न बच्चों पैटर्न ही आई इसी तरीके से यहाँ से शुरुआत करनी है एक 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 स्टेप उसी टाइप से करना अंकों का हेर फेर है बस बच्चों तो आप लोगों को करते करते याद हो गया होगा यहाँ पे दो वर्ष किया है इसलिए सत्रह बटे जो इतना आया है सत्रह बटे सोलह रुपए का इसका स्क्वायर करेंगे तीन वर्ष होता तो घाते तीन करते चार वर्ष होता चार करते पाँच वर्ष होता पाँच करते ठीक है अब यहाँ एक रुपये का था अब इसको प्रश्न में दिया है पाँच हजार एक सौ बीस रुपये का रुपये का दो वर्ष का चक्रवृद्धि बराबर क्या हो जाएगा बच्चों ये पाँच हजार एक सौ बीस ठीक इसमें सत्रह बटे सोलह का स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा हल करिए पाँच हजार एक सौ बीस गुणे सत्रह गुणे सत्रह बटे सोलह गुणे सोलह ठीक है इसको आपको हल करना पड़ेगा तो चार सौ सोलह चार से कटेगा चार एकम चार चार दूनी आठ आठ नौ दस गया चार अठे बत्तीस जीरो फिर चार से कटेगा चार तेईस बारह चार दूनी आठ जीरो फिर सोलह कम सोलह सोलह दूनी बत्तीस बीस बीस सत्रह गुणे सत्रह गुणे बीस ये आया इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा पाँच हज़ार सात सौ अस्सी रुपये ठीक है ये आपका दो वर्ष का पाँच हजार एक सौ बीस रुपये का दो वर्ष का चक्रवर्ती मिश्र धन ज्ञात हो गया तो पूछा ही गया है बच्चों कि डिंपल को कितने रुपए मिले तो इतने रुपए उसे मिले ठीक है तो आप उत्तर अलग से लिख दीजिएगा अतः डिंपल को रुपये पाँच हजार सात सौ अस्सी प्राप्त होंगे ठीक है ये आपका उत्तर हो गया तो बच्चों आज ये अभ्यास सेवन जी हमारा यहीं पर समाप्त हुआ और कल हम नया अभ्यास चालू करेंगे उसमें हम चक्रवर्ती मिस्र धन का सूत्र और उसके कुछ अनुप्रयोगों के बारे में अध्ययन करेंगे आज के लिए बच्चों बस इतना ही आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा हो बच्चों तो इसे लाइक कीजिए मेरे वीडियो को और दूसरे बच्चों को शेयर भी कीजिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए धन्यवाद बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में